अच्छे बाल गाइस सबको चाहिए, ऐसा कोई नहीं जिसे अच्छे बाल नहीं चाहिए। अभी जस्ट मैं अभी बाल ही वॉश करके आई हूँ और इस टाइम स्वेटिंग हो रही है और जो मौसम हुआ है ना वो बिल्कुल भी चिपचिपा लगा हुआ है, तो बालों की एक्स्ट्रा केयर करना ज़रूर है। तो आगे देखिए मैं कौन सा मास्क आपके शेयर कर रही हूँ और डैट इज़ अमेजिंग मास्क। अगर सच में आप अपने बालों के ना कोई अच्छा हेयर मास्क सर्च कर रहे हैं, वो भी सस्ते, चीप एंड बेस्ट, मतलब दाम भी कम लगे और बालों को एकदम सिल्की शाइनी और बिल्कुल हेयर फॉल स्टॉप कर दे और जब भी गर्मी में बाल एकदम बढ़िया स्मूथ एंड सिल्की हो जाए, तो बिल्कुल आप सही जगह आए हो और ये वीडियो बिल्कुल परफेक्टली आपके लिए है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये लेने के बाद आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे और मुझे लौट के ज़रूर आएंगे थैंक यू बोलने। तो टुडे रिव्यू इज़ बायोटिक बायो मस रूट ट्रीटमेंट हेयर ग्रोथ इंटेंसिव हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट। इस मास्क का रिव्यू मैं लेके आई हूँ। एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इस मास्क के साथ रहा है। मैंने इसको 0.73 के अराउंड, मैं पहले थोड़ा हिचकिचा रही थी यूज़ करने में, बहुत दिन तक इसको लगाया भी नहीं, फिर मैंने कहा जब लिया तो लगाना तो पड़ेगा ही। और इसका मैं प्राइस दिखा देती हूँ, द प्राइस इज़, इसका प्राइस है 230 रुपीज़। बहुत लाइट है तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग 12/2020 की है और इसकी 3 साल की लाइफ है। देखिए अब क्लियर हो गया है, 3 साल की लाइफ है तो आराम से चल जाएगा और बहुत बड़ा पैक भी है। तो द मस्क रूट के बारे में दिया हुआ है कि हैज़ बीन कॉल्ड द डिवाइन हर्फ, फाउंड डीप इन द हिमालया एंड यूज फॉर सेंचुरी टू प्रमोट हेयर ग्रोथ दिया हुआ। इसका अलग से भी बड़ा डब्बा भी आता है बायोटिक ब्रांड में ही, जो कि बालों को रिजुनेट करता है एंड स्ट्रेंथ टू एवरी स्टैंड एंड प्रमोट ग्रोथ पर लॉन्गर थिकर एंड स्ट्रॉन्ग एयर। अब ये कैसा है तो मैं चलिए बताती हूँ आपको। पैक जो है इसका अच्छा खासा बड़ा पैक है, लगभग आई थिंक 200 ग्राम का पैक है। मैं दिखा रही हूँ, चलिए मैं डब्बा ही खोल देती हूँ पूरा। तो कुछ इस टाइप का ये आएगा और पर्पल अमेजोन नायका किसी पे भी मिल जाएगा। मैंने तो इसको अमेजोन की पर्पल से लिया था, याद नहीं आ रहा है। ये 230 ग्राम का है गाइस, क्योंकि बहुत बड़ा है। अब इसको थोड़ा सा ड्रॉबैक क्या है इसके साथ कि ये सिंगल नहीं लगा, सिंपली ऐसे नहीं लगा सकते हैं इसको। इसको आपको यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ आपको ऐसे करना है कि मिक्स विथ एग और योगर्ट बिफोर अप्लीकेशन, मतलब आपको इसको एग या दही में मिक्स करना है और आपको अप्लाई करना है अपने स्कैल्प और हेयर पर, और 30 मिनट्स के बाद आपको शैम्पू कर लेना है। और ये आपको हफ्ते में बस एक ही बार लगाना है, या तो आपको दही के साथ मिक्स करके या तो एग के साथ मिक्स करके, इट्स अप टू यू। मैंने दही के साथ लगाया है और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एग के साथ जब मैं लगाऊंगी तो वो मैं अलग से सेपरेट शेयर करूँगी। अभी मैंने दही के साथ लगाया और आप इसका रिजल्ट देखना, औसम रिजल्ट आया कि बकवास रिजल्ट आया तो आपको बाद में पता चलेगा। तो अभी मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ कि कैसा है। ट्रस्ट में जब इसको मैंने पहली बार देखा ना ओपन करके, तो मैं 2 हफ्ते तो मैंने छुआ ही नहीं इसको ओपन करने के बाद, लगाया ही नहीं। फिर मैंने कहा यार लिया है तो लगाना तो पड़ेगा, नहीं तो लगा के देखती तो हूँ एटलीस्ट है कैसा। तो मैंने इसको लिया और इसमें कर्ड मिलाया, एग मैंने उस टाइम नहीं लिया, मैंने कहा पहले कर्ड के साथ एक्सपेरिमेंट करते, और कर्ड्स के साथ लगाया। और गाइस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहता है सब मैं आगे आपको शेयर करती हूँ, आप देख लो। और देखने में जैसे लगेगा कि चमनप्राश है तो पहले एक पल के लिए आपका दिल हट जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस इसको लगाने के बाद ना आपको पता है कैसी फीलिंग आएगी। अगर आप हाथों में मेहंदी लगाए हो ना तो बिल्कुल वो कोन वाली मेहंदी की महक आती है, बिल्कुल वैसी सेम महक आएगी। तो आपको बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगी, सफोकेशन नहीं होगा, बहुत अच्छा फील होगा बालों में लगने के बाद। और आधे घंटे के बाद आपको बाल शैम्पू कर लेना है, अच्छे से शैम्पू कर लेंगे और रिजल्ट कैसा रहेगा वो आप लास्ट में देखिएगा मेरे बालों का हाल, तो आप समझ जाओगे कि कैसे बाल हो जाते हैं। और स्टार्टिंग के बाल दिखिएगा और लास्ट के बाल दिखिएगा तो आप बहुत ईजिली समझ जाएंगे कि कैसा मतलब रिजल्ट रहा मास्क का। और मास्क मैं आपको बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा मास्क है, रीजनेबल रेट का मास्क है, क्योंकि कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत महंगे महंगे मास्क। तो अगर आपको कम रेंज में, क्योंकि आज ही मैंने अमेजोन पे इसका रेट देखा तो 161 रुपीज़ का ओनली अवेलेबल था। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ले सकते हो उसे। और बिल्कुल भी बालों की केयर करना बहुत ज़रूरी है, तो हेयर फॉल और क्या कहते हैं स्प्लिट एंड और फ्रिजी हेयर से हर कोई परेशान रहता, तो प्लीज़ मेरा मतलब सजेशन है कि आप हेयर मास्क लगाओ, कोई भी लगाओ, होम मेड लगाओ या मार्केट का लगाओ। और ये मैं सस्ते रेंज में मैं इसलिए रिकमेंड करी क्योंकि कई लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ चुके हैं, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। और एक दूसरा प्रोडक्ट है हिमालया का हेयर मास्क, वो भी बहुत ही कम रेंज में अवेलेबल है, बिलो 100 ही है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हो। तो चलिए आगे मैं बालों अप्लाई करके दिखाती हूँ कि कैसा है। आई होप आपको पसंद आएगा और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।
मास्क मैंने ले लिया है। अब मैं इसको 3 स्पून या 4 स्पून जैसे मेरे बाल की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मैंने कर्ड लिया। कर्ड में मैं 3 स्पून मास्क मिलाऊंगी, बड़ा स्पून है ये, अपने बाल के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो और आपको अच्छा खासा अंदाजा हो जाएगा मिक्स करने के बाद। अगर थोड़ा थिक लगता है तो दही आप थोड़ा और मिक्स कर सकते हैं, बहुत पतला मत लगाइएगा नहीं तो फिर चूने लगता है। और ये थोड़ा दरदरा भी है तो आप थोड़ा सा इसको ठीक से मिक्स कर लेंगे कि ताकि बाल पे चिपके, क्योंकि इसको लगाना थोड़ा सा टफ है। बाल की मेरी हालत देखिए, चिप चिप गर्मी से एकदम अजीब से हो गए, लट 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 टाइप की हो गई है, तो इसको मैं जल्दी लगा रही हूँ। लगाना थोड़ा सा कठिन है तो आप सही जगह लगाइएगा जहाँ आपको इजली क्लीन भी हो जाए, क्योंकि गिरता ही बहुत है, थोड़ा दरदरा टाइप का है तो थोड़ा सा नीचे भी गिर पड़ता है। जैसे मेहंदी बहुत महीन होती बट ये थोड़ा दरदरा है, लेकिन मास्क बहुत ही अच्छा है। और मैं लगा के इसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी और फिर देखिए मेरे जहाँ मैं लगाया वहाँ का हाल देखिए। और फिर 30 मिनट के बाद मैं शैम्पू से वॉश कर लूँगी और ये आफ्टर ड्राई मेरे बाल देखिए आप गाइस, मतलब सच में अमेजिंग रिजल्ट मिला मुझे केवल फर्स्ट यूज़ में ही। अब मैं इसको पूरा डब्बा यूज़ करके फिर आपको बताती हूँ और एक के साथ भी मैं आपको जल्दी शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। अगर आपकी कोई डिमांड हो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए तो मुझे ज़रूर